चमोली जिले में पोखरी नगर पंचायत भारी समस्याओं से ग्रसित नजर आ रही है। साल 2013 में अस्तित्व में आए नगर पंचायत 7 साल बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। कूड़ा डंपिंग जोन, पार्किंग, शौचालय, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी विकसित नहीं हो पाई। हालांकि नगर पंचायत पोखरी को नया बोर्ड गठन होने से काफी ज्यादा उम्मीदें भी थी। नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने कहा कि कूड़ा निस्तारण के लिए कई बार कई जगह चिन्हित की जा चुकी है, लेकिन वन भूमि का अड़ंगा पड़ने से कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बन पाया। लेकिन आज नई जगह मिल चुकी है जिस पर शीघ्र ही कार्य किया जाएगा। वहीं पार्किंग और स्ट्रीट लाइट के लिए भी बजट स्वीकृत हो चुका है। इन सभी पर शीघ्र कार्य आरंभ किया जाएगा। डंपिंग जोन के लिए जो है हमारे पास शासन में जो है स्वीकृति मिली हुई है और जगह न मिलने के कारण जो है बड़ी भारी समस्या जो है हो रही है। और ये मैं सोच रहा हूँ यदि जो है पोखरी जो है नखणा चोपड़ा मोटर मार्ग कार्य जैसे शुरू होगा तो यहाँ जो है डंपिंग जोन का जो है सबसे अच्छा जो है वो रहेगा, क्योंकि शहर से एक तो अलग हो जाएगा ही, और क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रवेश द्वार है और बड़ा भद्दा लग रहा है, किंतु यहाँ पे जो है 5-6 महीने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो है पहले से जो है कूड़ा वहाँ पर पड़ रहा था, तो एक तो उसके लिए सुरक्षा दीवार भी जो है उसको जो है समझा जाए और 5-6 महीने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है यहाँ। संवाद 365 के लिए तो प्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।